नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज फिर एक मेरे नए वीडियो में। और आज जो हमारा वीडियो है, हमारा हर वीडियो अच्छा ही होता है, जो खास जानकारी है हमें क्रिएटर के बारे में जानना है। और आज का भी कुछ ऐसा ही है। मैं जब पहली पहली जब वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया, जब मैंने अपना चैनल बनाया, तो हर चीज उसमें कैसे लोगो लगाना है, कैसे अपने चैनल को आगे डिजाइन जो करते हैं अपने चैनल के बारे में, वही सब चीज मैं भी एक यूट्यूब में ही छानबीन करना, इधर प्रयास जो है मतलब यूट्यूब में सर्च करना कैसे क्या करते हैं। तो इसी पर आज का हमारा इसी से रिलेटेड है आज का भी हमारा वीडियो। तो जानेंगे कैसे हम जो बड़े बड़े बिगनर है, जो बिगनर जो यूट्यूबर हैं, वो सब अपने चैनल में जो लोगो लगाते हैं, कोने में जो लोगो लगता है, वो कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो कि कैसे करना है। तो सबसे पहले हम सीधे चलेंगे अपने VN वीडियो एडिटर ऐप्स में। वहां पर जाने के बाद सीधा दोस्तों हम कोई सा भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं। ऐप्स के अंदर जाने के बाद कोई सा भी हम चलो वीडियो उदाहरण के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं। और वहां पर जाने के बाद सीधे एक्सपोर्ट करेंगे। तो एक्सपोर्ट आ जाने के बाद अब आगे जो प्रोसेस है वो देखते रहिए वीडियो में स्क्रीन शॉट के माध्यम से, जो आपके सामने शो ही हो रहा है। और दोस्तों यहाँ पर सीधे ऊपर ही यहाँ पर दिखा है फोटो एंड वीडियो, ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं जो, और इसके ऊपर जो बैकग्राउंड ये लगा हुआ है पहले से, उसके बाद इसको हम फिर आगे फोटो हो या वीडियो हो कोई भी हो उसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसी में ही ऑप्शन खुलेगा। और राइट में जो ऑप्शन है वो है आप स्टिकर, जो व्हाट्सएप में स्टिकर जैसा उपयोग कर सकते हैं वो लगा सकते हैं, तो वो भी इसमें भी आप स्टिकर लगा सकते हैं। तो खैर हम PNG, सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा कि आप PNG में बना के रखिए। इसके बारे में भी आप कमेंट करिए तो मैं लोगो कैसे क्रिएट करते हैं, उसको डिजाइन कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं, वो उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा। खैर अभी जो आज का जो मेरा वीडियो है ये इस टॉपिक पर है कि हम कोने में जो लोगो लगता है, जो बड़े बड़े बिगनर जो यहाँ पर लोगो लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं, इसी पर है। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, आपके गैलरी में जहाँ भी आप उस लोगो को रखे रहेंगे, PNG में आपका लोगो रहेगा रखा होगा, तो उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जूम आउट जूम इन होता है तो उसको आप मिनिमाइज थोड़ा सा स्मॉल कर दीजिए ताकि आपको प्रोफेशनल और अच्छा लगे। और उसके बाद सीधे अपने उंगली के माध्यम से कर्सर करके कोने में ले जाइए। और उसके बाद सीधे आप जितने भी आपका जो वीडियो है लंबाई जो गया है इसमें, आप जितने दूर तक 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट जितने भी टाइम तक आप वीडियो बनाए उसको सेलेक्ट करके, जो अपने लोगो है उसको सेलेक्ट करके आप आगे उसको वहाँ वीडियो तक आप इसको ले जाइए। उसके बाद पूरे वीडियो में ये जो आपका लोगो बना रहेगा वो शो करेगा। तो चलिए दोस्तों इसी बात पर था, और आपको जो जानकारी है मेरे द्वारा मिल चुका है। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और शब खैर और जय हिंद जय भारत।